अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिलासपुर जिला इकाई ने चाइना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी के द्वारा बिलासपुर के चंबा पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के जिला संयोजक उज्जवल कैंथ की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने चाइना के राष्ट्रपति का पुतला जलाया और चीन के खिलाफ बायकॉट चीनी प्रोडक्ट को लेकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने का आह्वान भी किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीनी सेना के खिलाफ नारेबाजी की तथा इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक उज्जवल कैंथ ने बताया कि एबीवीपी ने चाइना के राष्ट्रपति का पुतला जलाया तथा जनता से चाइनीज सामान के बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने चाइना के राष्ट्रपति का पुतला जलाया और चीन के खिलाफ बायकॉट चीनी प्रोडक्ट को लेकर जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान भी किया है। आज विद्यार्थी परिषद बिलासपुर द्वारा जिला बिलासपुर में चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए चीनी राष्ट्रपति का एक पुतला जलाया गया तथा संपूर्ण जनता से आह्वान किया गया कि बायकॉट चाइना कीजिए, आप स्वदेशी अपनाइए। राष्ट्रीय परिषद बिलासपुर ने जन जागरण को यह जागरूक करते हुए बस मात्र इतना ही कहा कि स्वदेशी अपनाइए, तभी भारत का भला होगा। यदि आप अपने सैनिकों के सम्मान में यदि आपके दिल में देशभक्ति है तो मात्र स्वदेशी अपनाइए तथा चीनी सामान जितना है उसका बहिष्कार कीजिए।